स्टूडेंट पुलिस कैडेट नाम का जो कार्य योजना है उसको हमने आज पहली बार शुरुआत की है उत्तर प्रदेश के लिए। आप जानते हैं कि केरल पुलिस ने इसको बहुत पहले शुरू किया था और बहुत ही सफल तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया था। गृह मंत्रालय नई दिल्ली ने इसको राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए योजना बनाई थी और उसमें सारे स्टेट्स को इन्वॉल्व किया था। हम लोग पहले राज्य हैं, वन ऑफ द फ्यू स्टेट्स जिसको हमने टेकअप किया है। हमने एक अधीक्षक पुलिस महानिरीक्षक रैंक के ऑफिसर श्री अमिताभ ठाकुर को इसका स्टेट नोडल ऑफिसर बनाया है और हम लोगों ने स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी भी बना दी है जिसके अध्यक्ष प्रमुख सचिव गृह हैं, उसमें मैं मेंबर हूँ। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग लेवल कमेटी है उसको जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनाया गया, उसका चयन कर लिया गया है। उसमें शिक्षा विभाग के भी अधिकारी हैं और हमने ये भी चयनित कर लिया है कि कितने कितने स्कूल्स हमारे कवर होंगे प्रत्येक ज़िले में। औसतन 40 से 70 स्कूल्स होंगे प्रत्येक ज़िले में। और आज जो हमने वर्कशॉप शुरू किया है वो वर्कशॉप हमारे पुलिस के जो नोडल ऑफिसर्स होंगे हर एक ज़िले में, हमारे 75 जिले के सभी नोडल ऑफिसर्स यहाँ आए हैं जो डीएसपी रैंक के हैं, और साथ ही साथ एक ज़िले में जो थाने होंगे उन थानों में भी एक एक नोडल ऑफिसर्स होंगे। तो इस तरह हम सभी नोडल ऑफिसर्स को पहले सेंसिटाइज कर रहे हैं, उनको संवेदनशील बना रहे हैं। और आज पूरे दिन भर का एक दिवसीय जो कार्यशाला होगा उस कार्यशाला में ये उन्हें बताया जाएगा कि स्टूडेंट पुलिस कैडेट की क्या महत्ता है, उसकी क्या उपयोगिता है, लोगों से क्या अपेक्षाएं हैं, उनका दायित्व क्या होगा, उनकी भूमिका क्या होगी और किस प्रकार पुलिस और समाज के बीच एक कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम का एक सफल निष्पादन इसके माध्यम से हो सकता है। आप जानते ही हैं कि ट्रैफिक मैनेजमेंट में, क्राइम रिडक्शन में, रोड सेफ्टी में, डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत डोमेन्स हैं जिसमें कि हमें जनता का सहयोग लेना पड़ता है। यदि आज के बच्चे को हम इन सब चीज़ों से ट्रेन करें, इन सब चीज़ों को के बारे में बताएं, तो कल वो एक सफल नागरिक के रूप में हमारी मदद करेगा और देश की सेवा करेगा और समाज की सेवा करेगा। इसी अभिप्राय के साथ हम इस एक दिवसीय वर्कशॉप का शुभारंभ किए हैं जिसमें नोडल ऑफिसर्स को इसके बारे में बताएंगे। आने वाले समय में हम उन स्कूल्स में भी जाएंगे और उनकी ट्रेनिंग की रूपरेखा क्या होगी जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बना लिया है, उनको ट्रेनिंग के बारे में अवगत कराएंगे, स्कूलों से पूछेंगे और जो भी हमारे स्कूल्स होंगे उनका और हमारे थानों का, हमारी पुलिस की क्या भूमिका और संबंध होंगे इस पर हम चर्चा करेंगे। आपको मालूम होगा कि सोशल मीडिया में हमने डिजिटल वॉलंटियर्स बनाए हैं और उसी डिजिटल वॉलियंस को हमने इलेक्ट्रॉनिक डोमेन में रखा है और ये हमारा एक फिजिकल डोमेन है जिसमें हम बच्चों के साथ उनकी ट्रेनिंग, उनके प्रशिक्षण, उनके सहयोग की आशा करेंगे, अपेक्षा करेंगे। तो कोर्स कौन तय करेगा? कोर्स ऑलरेडी तय हो चुका है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने कोर्स बनाया है और उस कोर्स की कॉपी हमें दे दी है और उस कोर्स को हम लागू करेंगे। सर, अभी आपने अपने भाषण में एक चीज की जिक्र आपने की थी, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं यूपी पुलिस को बैकफुट पर आना पड़ता है। अभी हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं अलीगढ़ में हुई है, हमीरपुर में हुई है, उरई में हुई है, सीतापुर, कानपुर कई जगह, आपको ऐसा लग रहा है पुलिस की संवेदनशीलता कुछ कम हुई है? पुलिस क्यों बैकफुट? नहीं, देखिए ये हमारी जो 5-6 घटनाएं हुई हैं, चाहे वो अलीगढ़ की हों या जालौन की हों, हमीरपुर की हों या कानपुर की हों, कुशीनगर की हों, इन सभी घटनाओं को हमने समीक्षा किया है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये घटनाएं जो हैं वो जानने वालों के बीच हुई है, जो जान रहे हैं एक दूसरे को। ये सारी घटनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हुई हैं और उन सबों की हम समीक्षा कर रहे हैं। उन सबों में पर्याप्त कार्रवाई की गई है, अभियुक्त पकड़े गए हैं, उनके मेडिकल एग्जामिनेशंस कराए गए हैं, उनको हम फास्ट ट्रैक में लाने की कोशिश करेंगे ताकि कड़ी से कड़ी सज़ा उन अभियुक्तों को दी जा सके। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसी संवेदनशीलता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आज एक मीटिंग बुलाई है जिसमें हम एक बहुत ही विस्तृत रूप से इस पर चर्चा करेंगे और हम अभी भी इसके प्रति काफ़ी संवेदनशील हैं और भी संवेदनशील हम करेंगे अपने थानों को ताकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। लेकिन किसी भी दशा में हम छोटी बच्चियों के साथ अपराध में काबू पाएंगे, उसको बढ़ने नहीं देंगे। सर, कहीं पे पुलिस की लापरवाही आपको लग रही है? जैसे अलीगढ़ की घटना के बारे में बताया जा रहा है कि 30 की घटना है, 2 तारीख को डेड बॉडी मिलती है, तो कहीं किसी और? देखिए, अलीगढ़ की घटना में थोड़ी बहुत जो लापरवाही दी गई उसके कारण हमने उनको निलंबित किया है और बाकी किसी घटना में पुलिसकर्मी की कोई लापरवाही नहीं कहीं नहीं मिली है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने त्वरित गति से, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे सीनियर ऑफिसर्स तुरंत मौके पर पहुँचे, अभियुक्तों को हमने तुरंत गिरफ्तार किया और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने उन सभी एविडेंसेस को कलेक्ट किया है
जिसको हम डीएनए के लिए भेज रहे हैं, जिसको हम फॉरेंसिक एग्जामिनेशंस के लिए भेज रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि चाहे वो कुशीनगर का मामला हो, हमीरपुर का मामला हो या जालौन का मामला हो, न केवल अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं बल्कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सर, माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर कुछ डर है, खौफ अलीगढ़ में ऐसी कुछ है? ऐसा कोई नहीं है। पलायन कर रहे हैं उनसे माइनॉरिटीज के बारे में मैं आपको स्पष्ट कर दूं, प्रत्येक जनता हमारी जनता है। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता, पुलिस उसको प्रोटेक्ट कर रही है। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, सभी हमारी जनता है और हम सभी के प्रति उतने ही उत्तरदायी हैं जितने कि एक दूसरे के प्रति। नहीं, कोई बाधित नहीं की, कोई बाधित नहीं।